हाय गाइस, मायसेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वुडन फ्रेम एवं डोर का क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एवं उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे। बहुत सारे भाई लोग का रिक्वेस्ट था कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाए, तो आइए हम इसका देखते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखिए एवं वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका वुडन फ्रेम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका वर्टिकल पार्ट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है। वर्टिकल पार्ट जो है आपका टू पार्ट है, वन और टू। इसका जो साइज आप देख रहे हैं ये 7 फीट लेंथ है और ये विड्थ जो है वो आपका 4 इंच का है और ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं वो 3 इंच का है। तो ये आपका वर्टिकल पार्ट हुआ और ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट का हम साइज देखेंगे, जिसमें ये 3.5 फीट जो है ये आपका लेंथ हुआ और ये आपका पार्ट जो है विड्थ जो है वो 4 इंच का है और इसका थिकनेस जो है वो आपका 3 इंच का है। अब हम वुडन फ्रेम का ये डिटेल हुआ, इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेरा डोर है डोर का डिटेल पार्ट वाइज देखेंगे। ये आपका डोर है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है आपका वन पार्ट और ये टू पार्ट, ये आपका लॉक स्टाइल है। जिसका जो साइज है ये आपका जो साइज है 7 फीट आपका लेंथ है और विड्थ जो है ये आपका 5 इंच है और इसका जो थिकनेस है वो आपका 1.5 इंच का है। इसके बाद हम देखेंगे आपका टू पार्ट, ये आपका टॉप रेल हुआ और नीचे एकदम जो है वो आपका बॉटम रेल है। जिसका जो साइज है ये आपका जो लेंथ हुआ वो 3.5 फीट का हुआ और ये जो विड्थ है ये आपका 6 इंच हुआ और इसका थिकनेस जो है आपका 1.5 इंच का है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये आपका क्रॉस रेल है, ये पार्ट क्रॉस रेल है जिसका जो डायमेंशन है वो आपका 3.5 फीट लेंथ है और ये पार्ट जो है वो आपका 4 इंच है और इसका जो थिकनेस है वो आपका 1.5 इंच है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका वो आपका लॉक रेल है, जिसमें जो डायमेंशन है ये आपका 1 पार्ट है। डायमेंशन आपका जो है ये आपका 3.5 फीट का है, 3.5 फीट, और ये जो पार्ट है आपका बीच हुआ आपका 7 इंच का है और इसका जो थिकनेस है वो आपका 1.5 इंच है। इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कि ये आपका मुलियंस है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट और 4 पार्ट। ये मुलियंस का जो डायमेंशन है ये आपका 2.5 फीट का हुआ लेंथ और ये जो विड्थ है वो आपका हुआ 3 इंच का और थिकनेस जो इसमें वो आपका 1.5 इंच का हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं ये पैनल्स दिया हुआ है, पैनल्स टोटल आपका 7 पार्ट है, 1, 2, 3, 4 और 3 नीचे। ये आपका 7 पार्ट पैनल्स हुआ जिसका जो डायमेंशन है आपका ये आपका 2.5 फीट लेंथ हुआ, ये आपका विड्थ जो है इसमें वो आपका 8 इंच का है और इसमें जो थिकनेस यूज होता है वो आपका 1 इंच का होता है। तो ये आपका पार्ट वाइज डोर का पूरा डिटेल हुआ। अब इसका हम टोटल कैलकुलेशन जो है वो देखेंगे बोर्ड पर, आइए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका वुडन फ्रेम एवं डोर का कैलकुलेशन क्या होगा, उसमें कितना वुड आएगा और उसका कॉस्ट क्या आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका साल वुड यूज किया गया है, आपका वुडन फ्रेम है। वुडन फ्रेम जो है उसमें आप सागवान भी यूज कर सकते हैं, साल का भी यूज कर सकते हैं, टिक का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साल का यूज किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट, ये वर्टिकल पार्ट है जिसका 2 पार्ट है, 1 और 2, और ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो वर्टिकल पार्ट का आपका जो डायमेंशन बताया गया वो 7 फीट × 4 इंच × 3 इंच, जो आपका 2 पीस है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आता है 1.16 CFT। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल पार्ट का देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में जो है वो आपका 3.5 फीट है इंटू 4 इंच × 3 इंच। इसमें आप देख रहे हैं कि 12 से नीचे मल्टीप्लाई किया गया है इंच को फीट में चेंज करने के लिए। इसका जो कैलकुलेशन है 0.29 CFT आएगा। तो टोटल आपका साल वुड जो आ गया वो आपका 1.45 CFT हो गया। तब नेक्स्ट देखेंगे डोर के लिए आपका टोटल पार्ट वाइज कैलकुलेशन कैसे होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डोर के लिए जो यूज किया हुआ आपका गम्हार का वुड है और इसमें आप सागवान का वुड भी यूज कर सकते हैं। तो गम्हार वुड के लिए हम देख रहे हैं फर्स्ट लॉक स्टाइल, ये आप लॉक स्टाइल देख रहे हैं जिसमें ये पार्ट जो है 1 पार्ट ये आपका हुआ और 2nd पार्ट ये आपका हुआ। ये आपका लॉक स्टाइल है जिसका साइज जो है 7 फीट × 5 इंच × 1.5 इंच है। इसमें आपका कैलकुलेशन, ये 2 पीस है जिसका कैलकुलेशन आपका 0.729 CFT। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंच है, इंच को आप क्या कीजिएगा कि 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपका इंच हुआ और ये 2 पार्ट हुआ जिसमें 144 से डिवाइड कीजिएगा, तब ये कैलकुलेशन आपका कितना आएगा 0.729 CFT। इसी टाइप से आपका जितना इंच दिख रहा है सभी इंच में आप
12 से डिवाइड कीजिएगा, यानी हर पार्ट में आप 144 से डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेशन में। नेक्स्ट देखेंगे हम टॉप एंड बॉटम रेल। ये आपका टॉप रेल है वन पार्ट और सेकेंड ये आपका बॉटम रेल है, जिसका साइज आपका कितना है 3.5 फीट × 6 इंच × 1.5 इंच। ये दो पीस टू पीस है, इसका कैलकुलेशन आपका है 0.51 CFT। नेक्स्ट देखेंगे लोक रेल। लोक रेल में आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट वन है, ये आपका लोक रेल है, जिसका साइज आप देख रहे हैं 3.5 फीट × 7 इंच × 1.5 इंच। ये आपका वन पीस है, जिसका आपका क्वांटिटी कितना है 0.25 CFT। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस रेल। ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका वन पार्ट जो है क्रॉस रेल है, जिसका डायमेंशन जो है आपका 3.5 फीट × 4 इंच × 1.5 इंच, जो आपका वन पीस है और कैलकुलेशन कितना होगा 0.14 CFT। नेक्स्ट हम देखेंगे मुलियंस। मुलियंस जो है वो आप देख रहे हैं, वन पार्ट आपका ये है, ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ, ये आपका थ्री पार्ट हुआ और ये आपका फोर पार्ट हुआ। ये आपका मुलियंस जो है टोटल फोर पार्ट है, जिसका डायमेंशन कितना है साइज 2.5 फीट × 3 इंच × 1.5 इंच। ये आपका फोर पीस है, इसका कैलकुलेशन आपका कितना हुआ 0.3125 CFT। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैनल्स। पैनल्स जो है आपका वन पार्ट ये पैनल्स हुआ, सेकेंड ये हुआ, थर्ड ये पैनल्स हुआ, फोर में आपका ये पैनल्स हुआ, फाइव ये हुआ, सिक्स ये हुआ और ये सेवन पैनल्स हुआ, यानी टोटल सेवन पैनल्स हुआ, जिसका साइज है 2.5 फीट × 8 इंच × 1 इंच, जो आपका सेवन पीस है। टोटल क्वांटिटी कितना आएगा 0.972 CFT। टोटल इसको आप एड कीजिएगा तो टोटल सीएफटी जो है वो आपका आ जाएगा 2.9165 CFT। तो इस टाइप से हम देख लिए कि डोर का जो है टोटल क्वांटिटी जो है वो आपका 2.9165 CFT आ गया। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे कोस्ट कि वुडन फ्रेम का कोस्ट और डोर का कोस्ट। तब कैश कोस्ट कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट देखेंगे वुडन फ्रेम। वुडन फ्रेम जो है वो आपका, वुडन फ्रेम में हम साल वुड यूज किए हैं, तो साल वुड के लिए हम रेट देखेंगे। साल वुड के लिए इसका जो रेट है वो आपका 2000 पर CFT आता है। ये रेट आपका मार्केट के अनुसार वेरी भी कर सकता है। तो इसका क्वांटिटी जो है टोटल आपका कितना आया था, इसका क्वांटिटी आपका टोटल आया है, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी इसका जो 1.45 CFT। तो टोटल आपका इसका कोस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कोस्ट आपका आ जाएगा, आरएस कितना आ जाएगा आप क्या कीजिएगा 2000 × 1.45 कीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कैलकुलेशन जो है वो आपका आ जाता है 2900, यानी 2900। ये इतना आपका आरएस आ गया। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे डोर के लिए। सेकेंड पार्ट आपका डोर हुआ। डोर में जो हम वुड यूज कर रहे हैं वो आपका वुड जो है वो गम्हार का वुड है। गम्हार के वुड के अनुसार हम रेट देखेंगे। गम्हार वुड इसके जो रेट आता है वो अभी मार्केट के अनुसार लगभग आपका 1800 पर CFT आता है, पर CFT। ये मार्केट के अनुसार कुछ वेरी भी करता है। इसका जो क्वांटिटी आप देखिए, टोटल वुड का जो टोटल क्वांटिटी आया वो आपका टोटल क्वांटिटी कितना है 2.9165। इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा आपका, टोटल कॉस्ट बराबर आपका आ जाएगा आरएस। ये क्या कीजिएगा 1800 × क्या कीजिएगा 2.9165। कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ जाता है 5249। ये आपका टोटल आ गया कोस्ट, ये आपका आ गया डोर का। तो ये आपका हो गया वुडन फ्रेम का और ये आपका हो गया डोर का। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन इसमें करेंगे कि आपका लेबर चार्ज कितना आएगा, यानी थर्ड में देखेंगे लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट के लिए हम देखेंगे इसमें लेबर कोस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आपका स्क्वायर फीट में होता है। तो स्क्वायर फीट में आप डोर के लिए जो है, डोर के लिए हम देख लेंगे कि आपका टोटल स्क्वायर फीट कितना है। इसमें हम देख रहे थे कि आपका 3.5 फीट है इंटू ये आपका ब्रेथ और टोटल जो लेंथ है वो आपका कितना 7 फीट। इसका कैलकुलेशन करने के बाद टोटल आपका कितना आएगा 24.5 स्क्वायर फीट। अब हम देखेंगे अभी के मार्केट के अनुसार जो लेबर कोस्ट चल रहा है वो आपका 200 पर स्क्वायर फीट चल रहा है, यानी 200 आपका स्क्वायर फीट कोस्ट जो है अभी आपका 200 पर स्क्वायर फीट। इसके अनुसार हम देखेंगे कि टोटल कोस्ट कितना आएगा, तो टोटल कोस्ट बराबर आपका आ जाएगा क्या कीजिएगा 24.5 × 200। जब ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ जाता है 4900, यानी 4900 आरएस। ये टोटल आपका लेबर कोस्ट आ गया, ये आपका डोर कोस्ट आ गया और ये आपका वुडन फ्रेम। नेक्स्ट अब देखेंगे फोर्थ में फिटिंग चार्ज, यानी फिटिंग चार्ज जो है वो आपका अप्रोक्स 1000 आ जाता है। फिटिंग चार्ज जो आएगा वो आपका कितना आएगा आरएस 1000।
अब हम क्या करेंगे कि टोटल को ऐड कर देंगे, जिसमें आप देखिएगा वुडन फ्रेम का, डोर का, लेबर कॉस्ट और फिटिंग चार्ज। तो टोटल कॉस्ट बराबर आपका आ जाएगा, टोटल कॉस्ट बराबर वो आपका कितना आ जाएगा 40,449 रुपीज, इतना टोटल कॉस्ट आ गया। ये रेट जो आपका आया एक दरवाजा का, जिसमें हम जो वुडन फ्रेम यूज किए वो आपका साल का था और जो डोर यूज किए वो आपका गम्हार का था, जिसके अनुसार आपका अप्रोक्स 40,049 रुपीज आया। इसमें जब आप सागवान का यूज कीजिएगा तो इसका जो रेट है वो आपका बढ़ भी सकता है।